कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह खैरियत से रखे आप सब लोगों को। तो आज हम आलू अंडे बनाने जा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँ क्या क्या चीज़ें डालेंगे। ये सबसे पहले ऑयल, और ये है टमाटर, एक टमाटर लिया मैंने बड़ा, एक प्याज दरमियाने साइज़ का, ये पांच मिर्चें हैं, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक चम्मच ये वाला चम्मच हांडी मसाला, ये एक चम्मच मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच ये हल्दी, आधा ज़ीरे का चम्मच, और ये एक चम्मच नमक। नमक कम रखिएगा, क्योंकि नमक ज़्यादा डाल जाए तो फिर उसका हल नहीं है। अगर कम होगा तो फिर आप डाल सकते हैं, ज़्यादा पूरा कर सकते हैं। और ये मैंने आलू काट के रखे हुए, आधा किलो आलू है तो पानी में रखे हैं, क्योंकि ये कलर चेंज नहीं होगा इनका। तो आप भी आलू जब काटें तो पानी में डाल के रखें, क्योंकि कलर चेंज नहीं होता। ये ऑयल डाल दिया हमने, प्याज डाल देने हैं। आलू अंडे तो सभी बना लेते हैं, लेकिन वो इतना खूबसूरती नहीं आती ना उनके ऊपर, अच्छे नहीं बनते। कई लोग अच्छे भी बना लेते हैं, कई को नहीं बनाने आते। मैंने कहा चले आलू अंडे का बना तो रही हूँ, इसकी भी वीडियो डाल देती हूँ, किसी का भला हो जाएगा। तो ये देखें जनाब, ये लोग आ गई है, बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन करने, ये सालन के थोड़े से नरम ही होते हैं, इतने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करते। अब अदरक लहसुन डालते हैं, तो जब तक अदरक लहसुन होगा तो ये और ब्राउन हो जाएंगे। मसाला इसमें ना डालिएगा आलू अंडों में, मसाला नहीं डलता। आप डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैंने कभी मसाला नहीं डाला, गरम मसाला नहीं डाला आलू अंडों में, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। अंडे भी गरम होते हैं तो फिर गरम मसाले की ज़रूरत नहीं होती। हमारा अदरक लहसुन प्याज सब चीज़ें ब्राउन होगी, अब हम सब्ज़ी मिर्चें डालेंगे, साथ ही ये टमाटर डाल देंगे जो काट कर रखे हैं हमने। ये चीज़ें जो हमने रखी हुई हैं, अब ये डाल देंगे सारी। आप अपने हिसाब से मिर्चें डालिएगा, जितनी आप लोग खाते हैं तो उतनी डाल लीजिएगा, कोई ज़्यादा खाता है कोई थोड़ी खाता है, अपने हिसाब से ही डालिएगा। इसमें आप थोड़ा सा पानी लगाएंगे इसमें, देखिए मसाला हमारा बन चुका है। ये देखिए कैसी लुक आई है, माशाल्लाह अच्छा बन गया मसाला, सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, टमाटर प्याज सब रेडी हो गया। ये अब इसमें आलू डालेंगे, आलू अब हम डाल देंगे, दो मिनट तक इसको भूनते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर ये गल जाएंगे, उसके बाद इसमें फिर अंडे शामिल करेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी लगाते हैं, ये एक चाय वाला कप मैं पानी पर डाल रही हूँ, तो इसी में ही हो जाएंगे, गल जाएंगे, बहुत ज़्यादा पानी ना डालिएगा, तीन चार मिनट में ये पक जाएंगे, आलू जल्दी गल जाते हैं। इसको ढाँप देते हैं, पाँच मिनट के लिए मैं ढाँप देती हूँ इसको, चूल्हा स्लो कर देती हूँ।
अब हम ढक्कन उठाते हैं, अपना सालन देखते हैं। सालन माशाल्लाह हमारा पक चुका है, आलू गल चुके हैं। देखिए कैसे माशाल्लाह मज़े मज़े का सालन बना है, अच्छे आलू पके हैं। चेक कर लेते हैं आलू को, ये गल गए हैं आलू। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मेथी डालेंगे, ये कसूरी मेथी है। अब अंडे डाल देंगे इसमें, ये चार अंडे हैं मेरे पास। ये इनको डायरेक्ट सालन में ना डालिएगा, तोड़ के ऐसे कोली में इनको पहले डाल लें, ताकि कोई ख़राब भी निकल आता है तो फिर सालन तो सारा ख़राब हो जाएगा ना आपका, कोई छिलका भी बीच में चला जाता है। कटोरी में डालेंगे तो छिलका भी आपका निकल जाएगा, और कोई ख़राब अंडा होगा तब भी पता चल जाएगा आपको, सारे तो नहीं ज़ाया होंगे ना। ये देखें ऐसे आप तोड़ लें, कटोरी में डाल लें सारे। सालन में छिलका गिर जाए तो वो उठाया नहीं जाता, वो ख़राब अंडा हो जाए तब भी सालन ख़राब हो जाता है। अंडों को आपने फेंटना नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही डालने हैं। अब जल्दी से चम्मच भी नहीं हिला देना आपने, चम्मच हिला दोगे जल्दी मिक्स हो जाएगी, फिर वो सालन अच्छा नहीं रहेगा। इसको थोड़ा पकने दें फिर हम इसको हिलाते हैं। जो डायरेक्ट हिला देते हैं ना वो नहीं, मज़े का नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, बीच में ही मिक्स हो जाता है, घोवा सा बन जाता है। ये देख आराम से अब आस्ता आस्ता इसको मिक्स करें। कई लोगों ने अंडा डाला और फौरन चम्मच चला दिया, लेकिन वो तो अच्छा नहीं बनता सालन, मिक्स हो जाता है बीच में ही, घोलवा सा बन जाता है, फिर वो जो देखने को दिल ना करे वो खाने को कहाँ दिल करता है। ऐसा ऐसा चम्मच चलाते जाना और फिर मज़े के बनेंगे अंडे। अंडे आलू बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को, बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप बनाइए खाइए, आसान डिश है, सिंपल सी डिश है, कोई इसमें वो मसाले नहीं डालने वाली, सिंपल सी मिर्च नमक डाल के आप सालन बनाएं, बना के खाएं, बहुत अच्छा बनता है, सस्ता भी बन जाता है। अंडे डालें, और अंडे तो घर में होते ही हैं, नहीं हुए तो आपके करीब दुकान है उससे मंगा लें, अंडे बनाएं आलू बनाएं और बना के फटाफट खा लें। मेहमान आ जाते हैं तो घर में सालन कभी होता है कभी नहीं होता, कभी पक्का होता है, अचानक आ जाते हैं मेहमान। आप आलू अंडे काटे, अंडे काटे आलू काटे आप और अंडे डाले बना लें, फौरन जल्दी से बन जाते हैं। आलू तो फौरन बनने वाली चीज़ है, जल्दी से डिश बन जाती है आलूओं की। ये देखें कैसे माशाल्लाह अच्छे बन रहे हैं ना। अब इनको थोड़ा सा हम ढांपेंगे थोड़ा पक जाए, 2 मिनट तक ढाँक देते हैं। ये देखे हमारे आलू अंडे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही लजीजा बने हैं। अब मैं डिश आउट करती हूँ, देखे कितने अच्छे माशाल्लाह आलू अंडे बने हैं। ये आप बनाइए और घर वालों को खिलाइए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आंटी के मज़ेदार खाने माशाल्लाह। देखें से देखें कैसा अच्छा लगा आप लोगों को आलू अंडे, आंटी के आलू अंडे बहुत मज़ेदार बने हैं, अच्छे हैं, और आप भी ट्राई कीजिए, बनाइए ज़रूर खाइए। अल्लाह हाफिज़।